मुख्यमंत्री का काम होता है दिल्ली का विकास करना, क्षेत्र का विकास करना, लोगों को सुविधाएं देना। पर हिंदुस्तान का ये पहला मुख्यमंत्री जिसने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक कौवे के साथ दूसरा कौवा फ्री देता हूँ, ये मेरी सरकार, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार। मिठाई की विजय का त्यौहार है, आज के दिन बुराई का विनाश किया जाता है। इसी दृष्टि से आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले। उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया। अजय जी, केजरीवाल जी ने जेल से चिट्ठी लिखी है, ईडी प्रशासन से चिट्ठी लिखी है, पानी और सीवेज की समस्या को लेकर के, जल मंत्री, पिछले 8-9 साल में एक चिट्ठी अगर अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली जल बोर्ड की समस्या को लेकर लिखी होती तो आज ये संकट नहीं पैदा होता कि उन्हें जेल में जाके जल की याद आ रही है। बेसिकली वो अपने मंत्री को बताना चाहते हैं कि जल बोर्ड को जिस तरह से लूटा गया है वो घोटाला भी है, क्योंकि 4-5 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है वो संकेत में उनको कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों के बारे में नहीं, वो उस घोटाले के बारे में सोच रहे हैं जिसमें उन्होंने जल बोर्ड को एक लूटने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि वो उन्होंने संकेत दिया है अपने मंत्री को कि जल बोर्ड का भी ध्यान रखिए, वहाँ पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। सचदेवा जी, इंडिया अलायंस आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, एक बजे, जिसमें मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही रहने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 1 बजे इंडिया अलायंस की प्रेस। तो मुझे लगता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन, अलका लांबा और प्रिया श्रीनेत को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि वो तो इस घोटाले के बारे में ऑलरेडी अपने विचार रख चुके हैं। मुख्यमंत्री का काम होता है दिल्ली का विकास करना, क्षेत्र का विकास करना, लोगों को सुविधाएं देना। पर हिंदुस्तान का ये पहला मुख्यमंत्री जिसने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक कौवे के साथ दूसरा कौवा फ्री देता हूँ, ये मेरी सरकार, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार।